क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। ठीक है ना, सबसे पहले मैं देखिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना तो हमें एक वेरिएबल ऐड करना होता है सिर्फ x, लेकिन यहां पे मैं दो नंबर ऐड कर रहा हूं क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी गई है कि जिससे इजीली क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो, इजी हो जाए, तो दो नंबर लेट करने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लिख रहे हैं लेट टू नंबर, पहले टू नंबर को भी हम स्मॉल और ग्रेटर में लिख रहे हैं, लार्जर में लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर वी वाई। ठीक है ना कि भाई एक तो बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है, तो उसमें स्मॉलर नंबर तो x है और लार्जर नंबर y है, बाद में हम इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन में ले आएंगे। देखिए पहली इक्वेशन में हमसे कहा गया था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस जो है ना 180 है, तो बड़ा नंबर ये है तो इसमें पहले लिखूंगा क्योंकि भाई बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़े नंबर का स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया तो वो कितना हो जाएगा 180 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, फिर कहा गया द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है ये, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल है 8 टाइम्स का मतलब तो मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 8 टाइम्स और किसका टाइम्स लार्जर नंबर का, लार्जर नंबर क्या वाई, तो एक्स स्क्वायर हमारा 8y के इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोबारा देखते हैं द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, डिफरेंस कहा गया है तो बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 180 आ गया। ठीक, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ये हो गया और वो किसके 8 टाइम्स के इक्वल है लार्जर नंबर के, लार्जर नंबर हमारा ये था, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, 8y पुट कर दूंगा, तो हमारी इक्वेशन देखिए आप वाई में ही रही, एक वेरिएबल में रही, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y, इस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने 8y लिख दिया इक्वल टू 180। ये जो 180 राइट में था इसे भी लेफ्ट में ले आते हैं, सभी टर्म हम राइट में एक तरफ रखते हैं और इक्वल टू में सिर्फ क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 8 हो जाए, ठीक है ना, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर दीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, यहां ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 8 हो जाए तो वो हो जाएंगे 18 10 180 होता, 18 की मल्टीप्लाई 10 से कीजिए कितना हो जाएगा 180, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखिए आप, बड़े में से छोटा घटेगा, 18 में से 10 घटेगा कितना बचा 8, तो इस 8 की जगह मैं लिख सकता हूं 18 माइनस 10, x बाहर रहा माइनस का 180 इक्वल टू में 0। ठीक, अब देखिए इस x के मल्टीप्लाई मैं दोनों नंबर से कर रहा हूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस, अभी ऐसे रहा 18x माइनस का 10x और माइनस का 180 इक्वल टू में 0। अब ये माइनस वाला टर्म मैं इस ब्रैकेट के अंदर भेज रहा हूं तो साइन सभी के बदल जाएंगे, 18 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल माइनस का 180 इक्वल टू में आ जाएगा 0। हमारे चार टर्म हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना, शुरू के दो टर्म में से कॉमन लेंगे, सॉरी यहां पे ना हमारा वाई था ये, तो ये वाई चलेगा, वाई यहां भी हमने वाई से ही मल्टीप्लाई करी, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल रहता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक वाई कॉमन आएगा, तो यहां कितना बचा वाई माइनस 18, भाई दो वाई में से वाई गया एक वाई बच गया माइनस है सिरा, वाई बाहर गया 18 बच गया, तीसरा टर्म अगर प्लस का होता तो प्लस कॉमन आता है, इन दोनों टर्म में से 10 कॉमन आ जाएगा, देखिए 10 बाहर गया वाई बच गया माइनस का साइन है सिरा, 10 के टेबल में 180 कितनी बार आ गया 18 बार आ जाएगा इक्वल टू 0। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ना हमेशा एक जैसा ही आता है, ठीक, अब ये वाला टर्म हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा y माइनस 18 और दूसरी ब्रैकेट में जाएगा y प्लस 10 और इक्वल टू 0। ठीक, इन दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है तो या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, ठीक है ना, तो लिखेंगे इफ y माइनस 18 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 18। ठीक,
और इफ वाई माइनस सॉरी वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो है तो वाई इक्वल टू माइनस का टेन। तो दो वाई की हमारी दो वैल्यू आ गई, तो 18 और एक आई माइनस का 10। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ x स्क्वायर इक्वल टू, पहले 18 से मैं फाइंड कर रहा हूं, जब y 18 है तब हमारी कितनी हो जाएगी 8y था, तो 8 मल्टीप्लाई 18 तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 144, और ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 144, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस का 12 होता है, लेकिन हम माइनस का 12 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें दो नंबर का जो डिफरेंस है ना स्क्वायर का, वो 180 था, मतलब वो 8 टाइम्स होना चाहिए, उसका स्क्वायर जो रहना चाहिए ना वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए, माइनस में नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12, ठीक। अब मैं x स्क्वायर, अगर इफ y इक्वल टू माइनस का 18 तब मैं x फाइंड करा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 8y हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई माइनस का 18, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 144। तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। आप 2 का स्क्वायर फाइंड कीजिए तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर फाइंड कीजिए तब भी 4 हो जाएगा। इधर की तरफ स्क्वायर हो रहा है किसी नंबर का, तो इधर की तरफ माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन आपने देखा यहां स्क्वायर कर रहे हैं इधर की तरफ माइनस आ रही, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर करे और वो माइनस आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ हमारे जो पॉसिबल आंसर है वो ये है कि इसमें जो एक नंबर रहेगी 18 रहेगी, दूसरी कितनी रहेगी 12 रहेगी, लिखेंगे सो लार्जर नंबर बी 18, स्मॉलर नंबर बी 12, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप माइनस वाला भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, तो भैया और करके कर लीजिए, लार्जर नंबर बी 18 हो जाएगा और स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं कहा गया कि पॉजिटिव नंबर ही लीजिए, तो नंबर हमारे निगेटिव भी हो सकती है, तो हम निगेटिव वाला केस भी ले लेंगे इसमें।